हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स वाला टॉपिक करने वाले हैं। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इंटीजर्स मतलब क्या होता है। इंटीजर्स मीन्स वो सारा नंबर जो पॉजिटिव हो बट नॉट टू बी मतलब फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं होना चाहिए और एक तरफ नेगेटिव भी हो। ये सारा नंबर जो होते हैं पूरा 100 तक जा सकता है या फिर कोई यहाँ तक जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। इस तरह इसी साइड में भी वही करेंगे हम लोग, नेगेटिव के तरफ में भी सेम है रूल। तो इसी सेट को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स का डिवीज़न करने का कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो जानना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 6 में या क्लास 7 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो पहला इसका रूल है, क्या है ये, वी हैव लर्न्ड दैट डिवीज़न इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हम लोग ये पहला रूल जो है डिवीज़न ऑफ इंटीजर का, ये क्या है कि जो डिवीज़न होता है वो ऑपोजिट है टू द मल्टीप्लीकेशन। यानी कि कोई चीज़ हम लोग को, जैसे कि एग्जाम्पल है 6 × 4, इससे अगर हम लोग को 24 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसका उल्टा डिवीज़न अगर हम लोग को करना हो तो 24 / 6 अगर करते हैं तो 4 मिल जाता है। तो यानी कि यही बता रहा है कि जो डिवीज़न वाला प्रोसेस होता है वो ऑपोजिट होता है, इनवर्स ऑपरेशन है टू द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 मिला। तो उसी तरह हम लोग 24 को 6 से अगर डिवाइड कर देते तो 4 मिल जाता है। यानी कि इसीलिए बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, डिवीज़न एंड मल्टीप्लीकेशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका ये हो सकता है, एंड इसका ये भी हो सकता है, 24 / 3 = 8। अगर इसका हम लोग डिवीज़न में रखें तो यही सारा फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई में भी रखेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगा। कैसे, हम बता देते हैं, 3 × 8 हम लोग करें तो 24 ही आएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो मल्टीप्लाई है यानी कि मल्टीप्लीकेशन एंड जो डिवीज़न है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि ऑपोजिट टू है। अब सेकेंड नंबर प्रोसेस क्या है, नंबर टू वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रहा है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल है, नहीं इससे पहले हम लोग रूल बता देते हैं। ईच मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स देर आर टू डिवीज़न फैक्ट्स। यानी कि होल नंबर्स को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दो ठो डिवीज़न फैक्ट्स जो है वो छुपा रहता है। कैसे, हम वो एग्जांपल देके बता देते हैं। जैसे कि वन एग्जांपल इज -8 को अगर हम लोग, नहीं 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, -8 मिल जाता है। तो यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, ये दोनों हम लोग का जो है इंटीजर है, इसमें क्या बताया जा रहा है, 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा यानी कि डिविजिबल होगा, फिर 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तभी भी ये डिविजिबल है। तो वही बताया जा रहा है कि जब दो ठो मल्टीप्लाई करते हैं फिर जो आंसर मिलता है हम लोग का, रिजल्ट जो मिलता है, फिर उसमें दो ठो डिवीज़न उसका छुपा रहता है। किसका डिवीज़न, 8 का डिवीज़न, डिविजिबल दो ठो छुपा हुआ है, यानी कि 2 8 को काट सकता है और 4 भी 8 को काट सकता है। यानी कि ये दोनों किसका डिविजिबल है, डिविज़र है, किसका, 8 का डिविज़र है। तो मल्टीप्लाई से हम लोग को डिविज़र दो ठो मिल जाता है। और एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सेम ऑपोजिट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सेम बात ही है, ये भी सेम टॉपिक है कि हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कट जाता है ये पूरी तरह से, 8 से अगर हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं उस वक्त भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। देर आर वन मोर एग्जाम्पल, क्या है ये, -18/3, इसका भी 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट इज -54/9 = -6 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, जब भी हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा। ये इंटीजर है और इसमें नेगेटिव साइन है, ऐसा सोच के हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। क्या सोच के करना है सॉल्व, एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, हम बता दिए थे कि 0 से लेके जितने भी नंबर जाते हैं पॉजिटिव, बट वो सारा हो गया आपका होल नंबर, राइट। तो इसमें भी करते हैं, सम एग्जांपल्स आ दिया। पहला है कि नंबर 1, 18/-3 = -6 आता है। तो क्या किया था हम इसमें,
थ्री से अगर हम लोग 18 को एज अ होल नंबर करना है ना, एज अ होल नंबर कर रहे हैं तो 6 आएगा, 18 हो जाएगा। क्या बोला है अब इसमें जो कोशियंट आ जाता है यानी कि 6, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर या रिजल्ट। और इसमें क्या करेंगे, एक ठो माइनस हम लोग पुट करें, जो कि यहाँ पे पुट करने के लिए बोल दिया है, पुट अ माइनस साइन बिफोर द कोशियंट, जो कोशियंट है उसके पहले एक माइनस साइन पुट कीजिए तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑल इन एवरेज बात यही है कि जब भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हम लोग को नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। अनदर एग्जाम्पल इज, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, नहीं 27 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू -9, ये आ जाता है। सेम प्रोसेस इज देयर, 55 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू -11 एंड 60 डिवाइडेड बाय -10 इक्वल्स टू -6। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कि बेसिक को समझाता है। वन पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखना है कि पहला जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि 18 पॉजिटिव, और जो सेकंड वाला नंबर है जिसको हम लोग जिससे डिवाइड करना है वो हो गया नेगेटिव। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अब चलते हैं नंबर फोर प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर फोर, जब भी हम लोग किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट में एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, -12, ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको जब हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, -3 आएगा आंसर। याद रहे यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर वो पहला नंबर होना चाहिए, जो पहला नंबर है वो नेगेटिव और जो सेकंड वाला नंबर है वो होना चाहिए पॉजिटिव, तब आएगा हम लोग का रिजल्ट एक नेगेटिव इंटीजर। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, -14 को हम लोग 7 से डिवाइड करता है, -2 होता है। यहाँ पे 4 और 7 है, कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी नंबर 5, जब भी हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट भी एक पॉजिटिव इंटीजर भी मिलता है। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि उसके पहले प्लस का साइन होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, 36, ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, डिवाइड करेंगे -6 से तो हम लोग को 6 ही मिलेगा। ओके, कैसे, हम लोग एक ठो डिवाइड करने वाला नियम हम लोग को पता है, ये वाला। ओके, ये क्या साइन करता है, ये वाला सिंबल, ये बताता है कि डिवीजन हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, 6 6 36 और ये माइनस से माइनस साइन कट जाता है तो क्या हो गया, 6 हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या है, साइन पॉजिटिव का साइन है, इसलिए बोल रहा है जब दो ठो नेगेटिव को डिवाइड कर रहा है तो एक ठो पॉजिटिव आंसर में या रिजल्ट में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, -42 डिवाइड -6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7, जो कि पॉजिटिव में हम लोग का आंसर है। अनदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 3, -54 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा हम लोग का, +18 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इंटीजर से रिलेटेड टोटल 5 प्रॉपर्टीज थे जो कि हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद मेन जो प्रॉपर्टी है, मोर 5 प्रॉपर्टीज आर देयर जिसको डिस्कस करना है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाले टॉपिक में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज क्या है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का, पहला प्रॉपर्टी है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है। नॉट डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि इसको हम लोग 4 डिवाइडेड बाय 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू जो होगा वो अनडिफाइंड होगा या फिर नॉट डिफाइंड आएगा। यानी कि हम लोग जब भी ऐसा केस आता है जो नीचे में 0 आता है तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए ज़्यादातर, अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नंबर 2 प्रॉपर्टी इज, जब भी 0 को डिवाइड करते हैं a से तो वैल्यू 0 आता है। यानी कि आई मस्ट क्लियर एक बात कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो a जो है 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो बट a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है इसके लेफ्ट साइड में अगर हम लोग का 0 होता है तो वैल्यू होता है क्या, 0। और ये है a, अगर इसके राइट साइड में 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है क्या, अभी अभी हम लोग देखे पिछले वाले प्रॉपर्टी में कि अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड ये होता है। अगर हम लोग इस फॉर्म में इसको देखें तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, ऊपर में अगर 0 हो और नीचे में कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर, 0 नहीं होना चाहिए नीचे में, है ना, a नॉट इक्वल टू 0, तो ऊपर में 0 और नीचे में कोई भी नंबर या इंटीजर हो तो इसका वैल्यू 0 होगा, और अगर ऊपर में हम लोग का इंटीजर होता और नीचे में 0 होता है तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। अब है प्रॉपर्टी नंबर
थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, जब भी हम लोग ए एंड बी जो कि दो ठो इंटीजर है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर हो सकता है और नॉट नेसेसरली इंटीजर नहीं भी हो सकता, यानी कि डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है या इंटीजर भी खुद हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, 34 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 2 7 14 क्या हो गया वैल्यू हम लोग का 14, यहाँ पे 17 है ना, इज एन इंटीजर। मेन पॉइंट क्या है कि ये जो 17 है एक इंटीजर है, ठीक है। और दूसरी तरह से 34 डिवाइडेड बाई 5 इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगा ना इज नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम बता देते हैं, 34 को डिवाइड कीजिए 5 से, 34 को करते हैं 5 6 34 हो गया डेसिमल 0 5 8 जा 40, ये हो गया, यानी कि जो क्वेश्चेंट आया यानी कि रिजल्ट आया वो है 6.8 और ये तो एक इंटीजर नहीं है ना, दिस इज नॉट इंटीजर, ये डेसिमल है। तो इस रूल में यही बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग दो टू इंटीजर को डिवाइड करते हैं जरूरी नहीं है कि वैल्यू हम लोग का इंटीजर ही आए, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे कि इसका वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता था या डेसिमल भी आ सकता था। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर की ओर। प्रॉपर्टी नंबर फोर इज ए को डिवाइड करते हैं बी से और फिर बी को डिवाइड करते हैं ए से, तो दोनों जो है सेम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल्स टू ईच अदर। क्या बोलते हैं, केस क्या है, मतलब इसमें शर्त क्या रखता है, कंडीशन क्या है कि ए और बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी। समझा देते हैं, ये वाला कंडीशन बोल रहा है मतलब कि मान लीजिए ए अगर हम लोग का 3 रहता है तो बी हम लोग का 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी कोई और नंबर होना चाहिए। और एक बात है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला रहा ये वाला रूल, ठीक है, ये दोनों बराबर ना होना चाहिए। मान लीजिए आप बी का 4 रख लीजिए, ये हो सकता है, बट बी का 3 वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ए का वैल्यू 3 है। और ये वाला रूल क्या था कि ए और बी दोनों ही नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 3 ए के जगह पे, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू रखते हैं 9, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए को बी से डिवाइड करते हैं ना, ए डिवाइडेड बाई बी, तो क्या 3 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि कुछ इस तरह, तो वैल्यू क्या हो जाए ऊपर में 1 और 3 3 9 यानी कि 1/3 हो गया वैल्यू, ओके। अब राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करता है, यहाँ पे भी बी जो है वो 9 रहेगा क्योंकि वैल्यू सेम होना चाहिए और ए जो रहेगा वो 3 रहेगा, फिर क्या करेंगे बी डिवाइडेड बाई ए यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3 1 3 3 3 9 यानी कि 3 वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग ए डिवाइडेड बाई बी करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं बी डिवाइडेड बाई ए, ये इन दोनों का वैल्यू जो है नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ गया 1/3 इज नॉट इज इक्वल टू 3, अगर दोनों में 3 3 आ जाता तब हम लोग इक्वल बोल देते, लेकिन यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे ओनली 3 आ रहा है यानी कि 3/1, तो इसलिए दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। अच्छा 1/3 और 3/1 ये दोनों एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं होगा, ओके। यहाँ पे जो पहला वाला रूल है ए से बी को डिवाइड करना और बी से ए को डिवाइड करना, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा जब हम लोग ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तब। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये रूल किसी भी इंटीजर पे एप्लीकेबल होता है, अगर हम लोग ए को डिवाइड करते हैं 1 से तो वैल्यू ए आता है, यानी कि ए डिवाइडेड बाई 1 तो वैल्यू कितना होगा ए। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 क्या है, -8 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या होगा जो हम लोग का ए है वही वाला वैल्यू आ जाएगा यानी कि -8 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग -4 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, सेम जो हम लोग का ए है वही हो जाएगा हम लोग का वैल्यू यानी कि रिजल्ट। किसी भी इंटीजर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो जो इंटीजर है वही संख्या यानी कि वही नंबर हो जाएगा उसका रिजल्ट, कोई भी इंटीजर को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है या संख्या है वही हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की ओर, क्या करना है, इवेलुएट करना है वैल्यूज को, यानी कि -40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू व्हाट, आंसर क्या होगा ये बताना है। नंबर 2 इज 55 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल्स टू व्हाट, ये होगा। और नंबर 3 में -36 डिवाइडेड बाई -4,
व्हाट विल बी द आंसर, यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सिर्फ जो टफ है यानी कि नंबर टू, ये हम सॉल्व करके बता दे रहे आखिर होता कैसा है, सॉल्व कैसे इसको करते हैं। तो 55 डिवाइडेड बाय माइनस 5 है, ओके। अब क्या करेंगे, 55 डिवाइडेड बाय माइनस 5 करते हैं, हो गया। 5 से इसको काटते हैं, 5 वन ज़ा 5, फिर 5 वन ज़ा 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 11। और ये जो माइनस है उसको हम लोग रिजल्ट में पुट कर दे रहे हैं, यानी कि माइनस 11 नंबर टू का हम लोग का आंसर हो जाएगा। नंबर टू का जैसा सॉल्व हुआ है उसी टाइप का नंबर वन एंड नंबर थ्री दोनों ही हैं। इन दोनों को आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर इसका सेंड कर दीजिएगा और हम चेक कर देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल आंसर इट। एंड अब कुछ चलते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लेवल है क्वेश्चंस का ही। यहाँ पे 3 है क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का है, कुछ हाई लेवल नहीं है। इससे पहले मैंने 2 इंटीजर्स का क्वेश्चन दिया था, अब जो है 3 इंटीजर्स जो है इसमें शामिल है। तो नंबर 6 जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, हार्ड दिख भी रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी तरह से नंबर 4 एंड 5 भी सॉल्व होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, सॉल्यूशन कुछ इस तरह है कि -6 + 5, ब्रैकेट से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करता है, बीच में डिवाइड है इसको कुछ टच नहीं करना, ब्रैकेट से ब्रैकेट पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो -6 से अगर हम लोग +5, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस माइनस, माइनस का रिलेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में हम लोग माइनस करेंगे तो -6 + 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 1। 6 में से 5 घटता है तो 1 होता है। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है, -6 बड़ा है या +5 बड़ा है। तो एज यूजुअल 6 बड़ा है तो इसलिए 6 का साइन जो है इसके साथ रहेगा, यानी कि हम लोग का -1 जो है इसका हो गया वैल्यू। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे डिवाइड का साइन यहाँ पे चलते रहेगा, डिवाइड का साइन यहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है, नो चेंज। ब्रैकेट कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी -1 होता है, +1 हो गया, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, -2 से +1 जब हम लोग करते हैं, 2 में से 1 गया तो कितना होता है, 1 होता है। और बड़ा कौन है इन दोनों में से, -2 बड़ा है, तो इसलिए -2 का साइन इसके साथ रहेगा। तो क्या हो गया वैल्यू फिर हम लोग का, -1 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई -1 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 1 से 1 कटेगा तो 1 ही आएगा वैल्यू, इन दोनों को अगर हम लोग काटते तो 1 ही आएगा वैल्यू, तो इसलिए 1 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर नंबर 6 का। तो उसी तरह आप लोग इसमें भी कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा, ब्रैकेट तोड़िएगा, उसके बाद इसका ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करना, ब्रैकेट का ही सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको बाहर में जो डिवाइड है उसके साथ कैलकुलेशन किया जाएगा। तो नंबर 4 एंड 5 का आंसर कमेंट में से लिख देना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो इंटीजर्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है ये टॉपिक समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास चला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।